भाविन तांडेल और मंथन पटेल खेल रहे हैं। एक विकेट पर एक रन। तेजस सुगंधी बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक रन आउट का विकेट इस ओवर में आया है। तेजस गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए इस बार अच्छी गेंद थी, हल्का सा बैक फुट पर जाकर खेला उन्होंने। पॉइंट के क्षेत्र में जब तक फील करते एक रन लेने का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ दो रन एक विकेट के नुकसान पर वलसाड वॉरियर का। तेजस फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, नतीतुली गेंद पूरी तरह से बीट करते हुए। लेकिन बीट करने वाले गेंदों को नंबर कहां होते हैं, ये केवल फैसला है। इस दौरान ओवर के समाप्ति हुई दो रन हुए हैं पहले ओवर के समाप्ति पर, एक विकेट के नुकसान पर दो रन पहले बल्लेबाजी करते हुए वलसाड वॉरियर। डेंटल यूनाइटेड नासिक के खिलाफ में, डेंटल यूनाइटेड नासिक बहुत ही बल्लेबाजी में काफी सशक्त टीम है। इसके पहले मैच में आपने देखा था कि सात ओवर में उन्होंने हालांकि 100 रन बनाए थे और मैच को जीतने में कामयाब रहे, तीन ओवर उन्होंने स्पेल रखे। विशाल गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए इस बार खेल दिया था बहुत अच्छा स्ट्रोक, कार्पेट के साथ खेला हुआ गेंद बाउंड्री की तरफ चार रन के लिए। देना कि अपने कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया बैट्समैन ने और दोनों ही फील्डर के बीच में से गेंद को निकालना बहुत काबिले तारीफ स्ट्रोक। विशाल फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए इस बार अच्छी गेंद, आगे आकर सही सम्मान दिया, खेल दिया ठीक बैक टू बॉलर, कोई रन नहीं। अच्छे बैट्समैन की कला होती है कि वो अच्छे गेंद को सम्मान बक्से सम्मान दे, ये अच्छे बैट्समैन की कला है आखिरकार।
विचार तैयार, फिर एक बार बैट पर जाकर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला, पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड, एक बार 4 रन। भाविन बहुत ही आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। विशाल गेंदबाज के लिए तैयार, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद छोड़ दिया उन्होंने, वाइड का इशारा अंपायर का, रन किस तरह से बनते हैं कौन किसी की परवाह करता है क्रिकेट में, लेकिन रन बनते रहना चाहिए, चाहे वो वाइड के हो चाहे वो कोई नो बॉल हो, आखिरकार आते रहने चाहिए। बॉलर फिर एक बार तैयार भाविन के लिए, इस बार अच्छा शॉट आ गया, कर उछाल कर खेला उन्होंने, देखते हैं कैच होता या नहीं, और इसी के साथ ये कैच हुआ और भाविन का बहुत ही बड़ा विकेट गिरता हुआ। कहते ना कि एक भाविन का बहुमूल्य विकेट गिरता हुआ, बहुत अच्छा कैच लिया, नहीं तो पहले तो 7 या 8 कैच ड्रॉप हुए थे, लेकिन अब यहां से कैच लेना मैं तो समझता हूं कि बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छा सुधार आया है नासिक की टीम में। ओहो हो, बाहर किनारा लिया और सीधा विकेट के हाथ में, लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं, और इसी के साथ शायद ये ओवर की समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर का, ऐसा जरूर लगा था कि शायद इनसाइड एज लेकर गेंद चली गई, लेकिन वैसा नहीं हुआ, यहां से ऐसा लगा हमें जरूर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर सर 2 ओवर के समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के समाप्ति हुई। भाविन का एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा टीम को, कहते ना कि बड़ी मछली जान में फंसी, ऐसा कहते हैं हाँ, क्योंकि वो काफी आक्रामक खेल रहे थे, उनका विकेट लेना नासिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जहां तक उन्होंने लेने की कोशिश की और आखिरकार कैच अच्छा लिया वहां पर फील्डर द्वारा, 2 ओवर के समाप्ति पर 17 रन 2 विकेट पर। इस बार फुल टॉस गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन हल्के से केवल ढकेल दिया उन्होंने मिड ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर राहुल फील्ड कर दे, 1 रन लेने का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर 18 रनों पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट कितने गिरे जिसके बजाय रन कितने बने, ये तो आखिरकार आपको देखना पड़ेगा, कहते ना कि इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, आपके पास ढेर सारे विकेट है लेकिन आप रन नहीं बना रहे, ये कोई बात नहीं है क्रिकेट के लिए। बॉलर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ, टीम का कुल स्कोर 19 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर, 2 रन बोनस के रूप में आए इस ओवर में अभी तक। इस बार बैक पोप पर जाकर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला, स्क्वायर कट और गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए।
इस बार गेंद मिडल और लेग स्टंपर का लगे सारे मोड़ने की कोशिश की, उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में शॉर्ट मिड विकेट से भी लहरा थे। एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। इस एक रन के साथ स्कोर 25 रन पर पहुंचता हुआ, दो विकेट पर 25 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। अभी भी सारी आशाएं हालांकि जुड़ी हुई है खिलाड़ियों की कि कितना रन हो सकता है। पहले वलसाड वॉरियर पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाती हैं। इस बार अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर है वहां पर, एक रन पूरा किया, जैसे कि थ्रो आते देखा, दूसरे रन के लिए भी जा रहे हैं, दो रन मुकम्मल हुए, 26 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ। कितने 27 रनों पर स्कोर पहुंचा है, 27 रन पर। इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, लगभग बीट करती हुई चली गई थी बैट्समैन को, ऐसा जरूर लगा विकेट के ऊपर को शायद ये इनसाइड एज लेकर चले गए, लेकिन अंपायर की निगाह काफी जम चुकी है। इसी के साथ ये तीसरे ओवर के समाप्ति हुई, तीन ओवर के समाप्ति पर 27 रन, तीन ओवर के समाप्ति हुई है 27 रन, वलसाड वॉरियर का कुल स्कोर तीसरे ओवर के समाप्ति पर। यहां से थोड़ा बहुत उनको अटैक इन खेलना पड़ेगा, क्योंकि तीन से चार से लेकर छह सात तक बहुत सारे रन बन सकते हैं। जल्द से जल्द खेलने का प्रयास जरूर करना चाहिए खिलाड़ियों ने। राहुल को शायद लाया है गेंदबाजी के लिए, तीन ओवर के समाप्ति पर 27 रन, वलसाड वॉरियर का कुल स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए, देखते हैं नासिक के खिलाफ। राहुल पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के से केवल ढकेल दिया उन्होंने कवर्स के क्षेत्र में, एक रन के लिए दौड़े बैट्समैन, एक रन के साथ स्कोर 28 रनों पर पहुंचता हुआ, दो विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है, अब तक एक गेंद हो चुकी है, पांच गेंदें बाकी इस ओवर के। राहुल की बहुत ही नदी तुली गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कहते ना कि राहुल काफी बुद्धिमानी खिलाड़ी है, बुद्धिमानी खिलाड़ी तो केवल इंग्लैंड के खिलाड़ियों को कहते हैं। इस बार हल्के से केवल ढकेल दिया, लेकिन जब तक फील करते एक रन लेने का मौका। भावीन आउट हुए, उसके बाद में हालांकि स्कोर काफी धीमा धीमा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भावीन थे बल्लेबाजी के लिए तो बहुत तेजी के साथ रन बन रहे थे। राहुल पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार, काफी ऊंचे गत के हैं।
राहुल गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार अच्छी गेंद थी, ओवर पेच आगे आकर खेल दिया था उन्होंने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन जब तक फील्ड कर दे केवल एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। बहुत ही ग्यारह ना फील्डिंग का प्रदर्शन अब नासिक की टीम करती हुई दिखाई दे रही थी। पहले मैच में जरूर कैचे छूटे थे, लेकिन इस बार बहुत ही तरक्की की उन्होंने फील्डिंग में, कैच लेने में और बहुत सारे जो विभाग होते हैं उसमें। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, बल्ले के काफी नजदीक से गेंद चली गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। चार ओवर के समाप्ति पर 31 रन, चार ओवर के समाप्ति हुई है 31 रन हुए हैं दो विकेट के नुकसान पर। वलसाड़ वॉरियर का कुल स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 ओवर निश्चित रूप से बाकी है, लेकिन रन अब नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे ऐसा सवाल हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इस बार अच्छी गेंद थी, विशाल गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, अब तक उन्होंने बहुत अच्छी नतीदुली गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। विशाल ने आगे आकर खेलने का प्रयास खेल दिया था उसको ग्राउंड के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात, जब तक फील्ड करते एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। पांचवा ओवर चल रहा है, डॉक्टर विशाल गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, शॉर्ट पिच गेंद पुल करने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पर है, लेकिन उसके पहले गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, चार रन के लिए बाहर। अच्छा स्टॉप, विशाल फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, ऑफ स्टंप पर गेंद, कलाई के सारे मोड़ने की कोशिश, स्क्वायर कट हल्का सा किया उन्होंने, गली के क्षेत्र में गेंद चली गई थी, लेकिन जब तक फील कर दे एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। वलसाड वॉरियर और नासिक के बीच में बहुत ही कड़ा मुकाबला। डॉक्टर विशाल गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार अच्छा स्ट्रोक सेडा के रूप में आता हुआ, लॉन्ग ऑन से फील्डर आते जब तक वहां पर राहुल फील्ड करते एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। फील्डिंग में काफी तरक्की हुई है इस बार। इस बार फुल टॉस गेंद, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेलकर एक रन और इजाफा किया, इसी के साथ ये पांचवे ओवर के समाप्ति, पांच ओवर के समाप्ति हुई है। वलसाड वॉरियर का कुल स्कोर 39 रन, 39। पांच ओवर के समाप्ति हुई 39 रन दो विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया और बहुत ही अच्छा कैच लेने में कामयाब रहे महेंद्र सिंह धोनी, और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ तीसरा। माझ्या पेक्षा भारी नाचून दाखवायचं, कोण कोण नाचणार, तू उठ, तू पण उठ, ए आता सगळेच उठा। डीजे अमन,
जिग्नेश पटेल और मंथन बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। एक रन हल्के से पैड पर लगती हुई गेंद, एक रन लेना बहुत ही कश्मकश चल रही है दोनों ही टीम के बीच में एक एक रन के लिए। राहुल गेंदबाजी के मोर्चे पर, बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक राहुल ने की है। राहुल गेंदबाजी के लिए तैयार, एक रन के लिए दौड़े बैट्समैन जब तक राहुल फील्ड कर दे। नए बैट्समैन जिग्नेश पटेल मैदान के ऊपर पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए, एक रन के साथ उन्होंने भी अपना खाता खोला। राहुल गेंदबाजी के लिए तैयार, अच्छी गेंद इस बार हल्के से केवल ढकेल लेने की कोशिश की उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में फील्ड करते, एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। इक्का दुक्का रन जरूर बनता जा रहा है वलसाड वॉरियर के टीम के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि बीच बीच में चौके आने चाहिए, सिक्सर आने चाहिए, वो आना रुक गए। एक अच्छी गेंदबाजी के बदौलत ऐसा लग रहा है, एक अच्छी फील्डिंग चल रही है इसके बदौलत ऐसा लग रहा है, ये तय करना पड़ेगा। इस बार अच्छा स्ट्रोक आगे आकर खेल दिया उन्होंने सीधा हाथ में, और इसी के साथ ये जोखिम जरूर उठाई जिग्नेश ने, लेकिन हाथ में वहां पर सीधा चला गया और कोई गलती नहीं की वहां पर इस बार फील्डर ने। इस बार बहुत अच्छा शॉट खेला दोनों फील्डर के बीच, इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल करने की कोशिश, लेकिन काफी ऊंचाई के साथ गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। एक अच्छे बल्लेबाजी का प्रदर्शन तो जरूर करना पड़ेगा वलसाड वॉरियर को इस मैदान के ऊपर। बॉलर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, इस बार अच्छी गेंद बैक पर जाकर एक अच्छा शॉट खेला उन्होंने, स्क्वायर का डार गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, चार अंक के लिए जाती हुई, कोई फील्डर नहीं वहां पर। इन चार रनों के साथ 50 रन भी पूरे हुए, 51 रनों पर स्कोर पहुंचा है। बॉलर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, इस बार खेल दिया उन्होंने मिड विकेट क्षेत्र में, वहां पर राहुल फील्ड करते हुए एक रन लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे झपटने देखा राहुल को, अपने पांव को खींच लिया अपने क्रीज पर, नौ स्ट्राइक रन से 52 रनों पर स्कोर पहुंचा है। पिछले के मुकाबले इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है नासिक के खिलाड़ियों की, और सबसे बड़ी बात कि अब तक कैच ड्रॉप नहीं हुआ है।
इस बार हल्के से केवल एज लेकर गेंद चल गई थी गली के क्षेत्र में। फील्डर जब तक वहां पर फील्ड करते, एक रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर 53 रनों पर पहुंचता हुआ शाम हालांकि हल्के हल्के ढलती हुई और सूरज डूबता हुआ, खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी होती जा रही है मैदान के ऊपर आप देख रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, उछाल कर खेलने की कोशिश और इसी के साथ ये ओवर के समाप्ति। 53 रन बने हैं, 7 ओवर के समाप्ति हुई, 7 ओवर के समाप्ति पर 53 रन बने हैं वलसाड़ वॉरियर के 7 ओवर के समाप्ति पर। 3 ओवर का खेल बाकी है वलसाड़ वॉरियर को, देखते हैं कि 18 गेंदों में वो कितना और रन बनाते हैं। 20 या 25 रन तो और वैसे भी बन सकते हैं, लेकिन एक लंबे स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे जो हवाई मार्ग से जाते हैं पीछे 6 रन के लिए, वो खेलने पड़ेंगे और उसमें जोखिम भी उठाने पड़ेंगे। 7 ओवर के समाप्ति पर 53 रन। बाहरी किनार लिया लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। ओहो, एक रन लेकर लास्ट ओवर पर चले गए। इस एक रन के साथ स्कोर 54 रनों पर पहुंचता हुआ, पहले तो कैच ड्रॉप हुआ, बहुत सारा उन्होंने प्रयास किया, कहते ने कि एफर्ट लगाया लेकिन नाकामयाब रहे। ये चल सकता है लेकिन आपने एफर्ट नहीं लगाया और कैच चले गया तो कहते नहीं नहीं बहुत दूर से चला गया, ये गलत बात है। फुल टॉस गेंद, हल्के से केवल ढकेल देने की कोशिश थी उनकी, फाइनल के क्षेत्र में गेंद चली गई थी। एक रन के लिए दौड़े बैट्समैन, 55 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ टीम के लिए। और इसी तरह के ये बहुत ही बहुमूल्य रन होते हैं, जो अतिरिक्त रन मिलते हैं ना उसके ऊपर कभी कभी मैच जीतने में आप सफल हो जाते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक आगे आकर खेलते हुए, लेकिन जिस तरह से फील्डर वहां पर तैनात है, एक रन लिया था, दूसरा रन के लिए जा रहे हैं, दूसरा रन जरूर मुश्किल, लेकिन इसी के साथ ये रन आउट का इशारा अंपायर का। नए बैट्समैन धवल मैदान के ऊपर पहुंचे हैं, इस बार खेल लिया उन्होंने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक फील करते एक रन लेने का मौका, 58 रनों पर स्कोर पहुंचा। डेंटल चैंपियंस ट्रॉफी 2018 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं नासिक के हुतात्मा आनंद कानेरे मैदान से। कहते ना कि एक रन बचाने के लिए गए तो दूसरा रन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 रनों का इजाफा हुआ। बड़ौदा वलसाड़ ये टीम है उनके इस मैदान के ऊपर, हालांकि रोहित शर्मा खेलकर गए हैं, मुनाफ पटेल ने अच्छी गेंदबाजी करने के बाद वो भारतीय टीम में गए थे, मुरली विजय ने 280 रन बनाए थे वो भारतीय टीम में चले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए। इस बार आउट होने का खतरा और इसी के साथ ये बहुत अच्छा कैच लिया और इसी के साथ ये विकेट का भी पतन हुआ। उसके साथ साथ अजीत अगरकर भी इस मैदान के ऊपर खेलकर भारतीय टीम में गए हैं।
तेजस फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए खेल दिया था उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक फील करते एक रन लेने का मौका, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, केवल एक रन दिया, ऐसा तो जरूर लगा था कि गेंद बाउंड्री की तरफ जाएगी, लेकिन एक अच्छी फील्डिंग क्या कमाल कर सकती है, ये आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर अपना सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं खिलाड़ी, तब जाकर कहां जीत सामने आ जाती है खिलाड़ियों के लिए। तेजस फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजी के मोर्चे पर जा रहे हैं, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, जैसे कि खेला एक रन के लिए दौड़े बैट्समैन, और देखते कि शायद दूसरा रन भी बन सकता है उनके लिए, एक रन लिया दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, अंपायर के ऊपर इशारा, लेकिन तब तक दूसरा रन भी पूरा किया, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है वसाड़ वॉरियर के खिलाड़ियों की, मानना पड़ेगा जहां तक पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरा रन फील्डर के ऊपर दबाव डालकर लिया, होती है ना कला, ये देख रहे हैं ना आप, बहुत बढ़िया। तेजस फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, फुल टॉस गेंद आगे आकर खेला था स्ट्रेट डाइव के रूप में, लॉन्ग ऑन से फील्डर आते एक रन लिया था, देखते दूसरा रन बन पाता या नहीं, लेकिन केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ा, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। चौसठ रन हुए हैं, ओहो हो हो, क्लीन बोल्ड हुए यॉर्कर गेंद, और कोई समझ नहीं आया, सानी 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 आ जाओ ऑन द बीच यार, फोटो मेरी खींच, टूटी किस्मत होगी तेरी, कर तू नहीं है बात नवानी, आज भी है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 आ जाओ। आठ दशमलव चार ओवर की समाप्ति हुई है, यानी लगभग नौवा ओवर चल रहा है, 64 रन हुए हैं अब तक वलसाड़ वॉरियर के बल्लेबाजी करते हुए, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय, लेकिन देखते हैं कि अभी भी एक इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल बाकी है, तो उसमें वो कितने रन बनाते हैं, 90 रनों तक जाते या नहीं जाते, 64 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं। लेग स्टंप पर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, एक रन की बढ़ोतरी हुई है, टीम का कुल स्कोर 65 रन पर पहुंचता हुआ 65 रनों पर। इस ओवर के अभी भी दो गेंदे बाकी हैं, बची हुए हैं, इस बार अच्छा स्ट्रोक से डाक रूप में से, लेकिन राहुल फील्ड करते, लेकिन तब तक एक रन लिया दोनों ही खिलाड़ियों ने, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, 66 रन, एक गेंद बाकी इस ओवर के अभी भी, नौवे ओवर की, जिसके बाद में केवल एक ओवर रहेगा, 6 गेंदे आने बाकी उसके बाद में। बॉलर फिर एक बार तैयार, इस बार खेल दिया था हल्का सा उन्होंने, मिड ऑन पर फील्ड किया जाता, एक रन का इजाफा हुआ, इसी के साथ ये ओवर के भी समाप्ति का इशारा था वो अंपायर का, 9 ओवर के समाप्ति हुई, वलसाड़ वॉरियर का कुल स्कोर 9 ओवर के समाप्ति पर 67 रन हुए हैं, 67 रन हुए हैं, एक ओवर का खेल बाकी है, कम से कम 10 रन तो और बनाने पड़ेंगे, एक अच्छा आकार मिल सकता है। बॉलर फिर एक बार तैयार, स्वप्निल आए हैं अब गेंदबाजी के लिए, बहुत ही बड़ा दिल होना चाहिए, आखिरी गेंदबाजी जब आप करते हैं ना तो, क्योंकि आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है, 5 गेंदे अभी भी बाकी, 67 रन ऊपर स्कोर, स्वप्निल गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार गेंद मिडल लेग स्टंप पर कला के सारे, उसे मोड़ दिया था अकेले के क्षेत्र में से, एक रन लिया था दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, जब तक थ्रो आता दूसरा रन भी मुकम्मल हुआ, 2 रन का इजाफा हुआ, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रनों पर 69। 4 गेंदे अभी भी बाकी है और 69 रनों पर स्कोर पहुंचा, ओहो, इसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, एक रन लिया दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, वाइड का इशारा अंपायर का, बहत्तर रनों पर स्कोर पहुंचा इन 3 रनों के साथ, इस बार खेल दिया उन्होंने लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तैनात है, एक रन लिया था दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, जैसे कि थ्रो आते देखा 2 रन पूरे किए खिलाड़ियों ने,
दो रनों के साथ स्कोर 74 रनों पर पहुंचता हुआ 74 रनों पर पहुंचा है, जहां पर केवल एक रन होना चाहिए था। वलसाड़ वॉरियर के खिलाड़ी बहुत ही तेज भाग रहे हैं, दो दो रन लेने की कोशिश कर रहे हैं और क्या बड़ा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर एक अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, पॉइंट के क्षेत्र में जब तक फील करते एक रन लेने का मौका, इस बार एक रन दिया, अन्यथा दो रन तो उनके पास से होते ही रहते हैं वलसाड़ वॉरियर के खाते में। आखिरी दो गेंदे बाकी हैं यदि वाइड नहीं गिरे तो। स्वप्निल गेंदबाजी के लिए तैयार, उछाल कर खेला लेकिन देखते कैच हो पाता या नहीं। एक रन पूरा किया, एक रन के साथ स्कोर 75 रनों पर पहुंचता हुआ, एक गेंद आना बाकी वलसाड़ वॉरियर को और देखते हैं उसमें चौका लगता या सिक्सर लगता। स्वप्निल गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूकते हुए रनआउट होने का खतरा और 75 रनों पर हालांकि ये बारिश समाप्त।
स्वप्निल करपे आणि नहुष सानप डेंटल युनायटेड करणं ओपन करण्यासाठी मैदानात उतरलेले आहेत. स्वप्निल करपे स्ट्राइक घेताना पहिल्या मॅच मध्ये डेंटल युनायटेडने अतिशय चॅम्पियन्स सारखी बॅटिंग केली होती. स्वप्निल करपे पहिला बॉल फेस करताना दुसऱ्या इनिंगचा पहिला बॉल झालेला आहे. सत्याहत्तर धावा जिंकण्यासाठी लागतात डेंटल युनायटेडला. आणि हा दुसरा चेंडू वाईड म्हणून अंपायर कडून डिक्लेअर करण्यात आलेला आहे. अतिशय वेगळी अशी गोलंदाजी शैली आहे. गोलंदाज भावेंची नाही, एक वाईट होता हा, दुसरा बॉल झाला, हा डॉट झाला. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजीचं प्रदर्शन करताना गोलंदाज भावेन आपल्या ओव्हरचा तिसरा चेंडू घेऊन येत आहेत. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट आणि स्वप्निल करपेने हा ऑफ साईडला प्लेस करून एक सिंगल काढलेला आहे. अशा रीतीने डेंटल युनायटेडच्या बॅटमधून पहिला रन निघालेला आहे. 77 धावांचा पाठलाग करताना डेंटल युनायटेडने या पहिल्या ओव्हरमध्ये दोन धावा केलेल्या आहेत. पहिल्या ओव्हरची तीन चेंडू टाकून झालेले असताना डेंटल युनायटेडचे दोन रन झालेले आहेत. Bhavin coming from the Shriman Yogi end, bowling his fourth ball of this over. Now Sanap, a very attacking batsman who scored 40 runs in the first match. He's got a very attacking style. He's got a good field set up by Bhavin. He's reading his batting positions and now changing his field, sending the deep mid wicket and bringing the long off into the circle. Bhavin coming up with fourth ball of this over from Shriman Yogi end to Nahush, and there you go. There's only one style Nahush knows to play, and there he hits the first four of this inning. Nahush is known for only one way to bat, and the way that he bats, we all know this in the first inning that he played. That's the last ball of this over. He hit it again for another four. Two consecutive fours to Bhavin, which adds up to the total of 10 runs of the first over. Once again, Nahush has made a wonderful start for his inning with the two consecutive boundaries of Bhavin of the first over. At the end of the first over, Dental United is at 10 runs for no loss, chasing 77 runs in 10 overs. Viren Lalwani coming from the Shriman Yogi end. Swapnil Karpe hit the ball in the air and got out with the first ball of the second over. Dental United has lost his first wicket on 10 runs. A very sad end to the innings of Swapnil Karpe. He is known for a good hitting. Unfortunately, he is not able to play this match. Yeah. Tejas Sugandhi is replacing Swapnil into the ground.
Dental United stands for 10 runs for the loss of one wicket, chasing 77 runs in the stipulated 10 overs time. Viren got a success of his first ball. What a wonderful start to a bowler. Nahush would like to continue with his fiery innings that he's been playing right from the morning. And there he goes. Another sixer. It goes. There she goes. You just can't stop this boy, can you? Look at the way he plays. Amazing area of shots from Nahush Sainup. Viren coming for Sriman Yogi and again got it for another four. Another sixer. It's raining fours and six on golf today. Look at the way Nahush is playing. Is he in his prime form? There you go! There she goes! The third six of the over! Is Yuvraj Singh watching this game? Do you know that Nahush Sainup is about to break his record? If he goes with this pace, that is not that far. Very well come back by bowler Viren. Four balls gone off this over. At the end of 1.4 overs, Dental United, 1.5 overs, I beg your pardon. The last ball of the second over. At the end of the two overs, Dental United at 28-1, chasing 77 in 10 overs. B team captain. Beat Day Devils. As if Nahush is carrying on from his inning in the morning. Till now he has hit three sixes and two fours. Bhavin Tandel coming for the second over, third over of this inning, and there you go, Tejas Sugandhi carrying on with his first inning form. Tejas Sugandhi carrying up with his form from the morning. Second ball of the second over, another good shot. He just squared that ball up to another boundary of the third over. It's like raining fours and sixes on golf. Tejas Sugandhi carrying on with his form from the morning. He already hit Bhavin for the two fours in this over. The third ball of this over. Vikas. And Bhavin coming under the ball. He got the ball. This first, second wicket for Bhavin. Dental United has lost his second wicket. 2 overs, 3 balls, 36 runs and 2 wickets. Vishal Galankar has replaced Tejas Sugandhi.
A very short inning that Tejaswi Gandhi had. He hit 2 fours in his 3 balls inning. Dental United is batting on 36. At the loss of 2 overs, now Sanup is facing Bhavin Tandale for his 4th ball of this over. He leg glanced it for 1 run. That takes the score to 37. Dental United has been performing like a champions. They've done wonderful in the morning. The way they fielded in the first innings, I think that gives them a positive vibes. Now they're carrying it in the batting. Here is go, Vishal Galankar facing Bhavin Tandale. Wonderful ball by Bhavin Tandale. He's looking confident after getting a wicket. The next match is Baroda versus Bid. Baroda has won the toss and elected to bat first, which is going to follow after this match. At the end of the 3 overs, Dental United has scored 37 runs at the loss of 2 wickets. Dental United still need 40 runs out of 42 balls, which should be a piece of cake the way that they guys are batting. Jignesh is coming from Sriman Yogi end to bowl 4th over of this inning. And he will look to defend 77 runs for his team. He's got a lot of responsibility on his shoulders since Nahush is facing him. Nahush has been absolutely astounding today. Does Jignesh have an answer to the onslaught what Nahush has started today? Bhavin trying to set the field to the perfection. He wants this wicket very badly. If he gets this man, the match is going to be twisted for sure. Jignesh is coming up with the 4th over of the first ball. Sriman Yogi end. And a wonderful ball. A wonderful ball by Jignesh. It looks like that Nahush has missed the ball completely. Went to Bhavin Tandale. Valsad Warriors needs to come back in this over if they want to win this game. Wonderful ball by Jignesh. To make contain, Nahush played for a single. It's a wonderful bowling by Jignesh. Jignesh is putting a lot of thought into his overs. He has just conceded 1 run out of the first 2 balls of this over. Vishal Galankar is going to face the 3rd ball of this over. Hey, how are you? Uh-huh. 77 runs to defend. Jignesh coming for the 4th ball of this over. What a ball. Trying to steal the single. A good running between the wickets, between the batsmen. They stole a single right in front of the Jignesh. 39 runs to win. 38 runs to win, I beg your pardon. In 39 balls. Jignesh looks absolutely confident. All he has to do is contain Nahush and they're going to win this game. There he goes. A wonderfully placed fielders all over the boundary. Bhavin Tandale is playing mind games with the batsman. A wonderful captaincy by Bhavin Tandale. Valsad Warriors has to work very hard to come back into this game. And they are doing good. With Jignesh coming into the over, conceded only 3 runs of this over. It's a wonderful comeback by Valsad Warriors. Jignesh has a wonderful spell going on. 41 runs. 1 ball to go of this over. Nahush is going to face the last ball of this over. Let's see what he can do with this. And he knows only one thing to do, which is to hit the ball to a 6. Game the ball chatak tak tak.
मटक लटक मटक फिर ले At the end of four overs, Dental United has scored 47 runs. They got a very small target to chase, 77 out of 10. And Nahush is beating the bowlers all over the place of this ground. Jigar Patel is coming up with his first over. And Vishal Kalankar has taken a hit. Give an easy catch to a bowler. Dhawal has taken a wonderful catch. Bagul has replaced the Vishal Kalankar. Dental United cruising towards the victory. Jigar Patel is bowling a wonderful spell here. Look at that. He's making the batsman run for the money. Walsad Warriors got a very small target to defend. Unfortunately, the batsman could not perform in the first innings of this match. The whole responsibility is on the bowlers. And Abhishek Bagul is going for a glory. Abhishek Bagul went for a glorious shot and lost his wicket. Dental United needs 29 runs in 32 balls. The match is still in a soup. Can Jigar do this again? He already struck twice in this over, making the game interesting, making Walsad Warriors to come back in this game with two wickets in one over. What a comeback by Walsad Warriors. Last ball to go of this over. The Dental United batsmen are going for a glory shots and hence losing their wickets one after another. At the end of this overs, Dental United has scored 49 runs at the loss of 4 wickets, chasing 77 in the stipulated 10 overs. Jignesh and Jigar, these two bowlers have made Walsad Warriors coming back into this game. What a pair of bowlers these do have. Jignesh is coming for his second over. He's been a successful over. And a good placement by Vishal. For a single run, taking the score to 50 runs for Dental United. 50 runs up for Dental United. Vishal Kandekar taking a single, making Nahush Sanup getting on strike. Can Nahush continue with his blistering form today? Wonderful ball by Jignesh Patel. It seems that Jignesh can read his mind. This is the second over Jignesh is bowling. And the way he's bowled today, it's amazing.
he has made Nahusana think twice before he plays the shot. Wonderful bowling by Jignesh Patel. Does this frustration can get the best of Nahusana today? Can he sustain through this over? That's going to be an interesting watch now. Jignesh Patel coming up with his fourth ball of this over. And a wonderful placement by Nahush, trying to read through his mind, and wonderful four for him. That takes the score to 54 runs. The last four took Nahusana up on the score of 40 runs of 17 balls. And Jignesh Patel. A good comeback by Jignesh Patel. Gave away only one run of this last ball. One ball to go of this over. Jignesh shouldering all the responsibility to make sure that Valsad Warriors come back into this game. Can Jignesh get a wicket on this ball? And a good shot by Vishal Kande, going to continue with the form. Another four for Dental United. At the end of six overs, Dental United has scored 59 runs at the loss of four wickets. Valsad Warriors need this over to be the best over of this inning. And they have thrown the ball again to the Jigar. Jigar has taken two wickets in the last over, making Dental United run for the money. It's going to be an interesting match. An interesting contest between Jigar and Nahush. Jigar on a success of two wickets of the last over. Nahush is coming off boundaries and sixes of the last overs. What a ball. Jigar putting his all experience into the bowling and making it way difficult for Nahusana to play his shots. Can Nahusana face Jigar? Wonderful bowling by Jigar. Putting pressure on the batsman. Jigar Patel, what a bowler he is. And there he goes. What a contest between the ball and a bat. Jigar Patel is bowled wonderful two balls, but Nahush has answered him as good as he can. Can Nahush get out? A good throw by a fielder, unfortunately. Nahush is back in the crease, stealing one run, taking his score to 48 in 22 balls. Vishal Khandekar is going to face the fierce Jigar Patel. Can Jigar Patel take a wicket on this ball? And a good shot by Vishal Khandekar on the leg side, giving him one run of this ball, which takes the score to 67. At the end of 6.5 overs, Dental United has scored 67 runs at the loss of four wickets. Nahush is batting on 48 of 22 balls. And he hit the ball. Does it go for a six? Nahush completes his 50 with a six. That brings Nahush's 50 in 23rd ball.
At the end of 7 overs, the score is 73 runs at the loss of 4 wicket. 4 runs to win for Dundee United. What a batting by Nahus Sanup. He has scored 54 runs in just off 23 balls. Bhavin Tandale coming to defend 4 runs for his team. Can he do this in this over? Vishal Khandekar played the ball on a fine leg. This has been a day for Nahus Sanup. He has scored 40 odd runs in the first match, and today in the second match he has scored 54 runs. 54 runs, only just 23 balls. Can he end this match with a glorious hit? Bhavin Tandale, the captain of Valsad Warriors. Wonderful Yorker by Bhavin Tandale. This is a sign of great players. They never want to give up. Bhavin Tandale is bowling excellent Yorkers today. Can he not give away 3 runs in this over and make it interesting? Can Nahush hit this ball to a 4 and make a wonderful end? A wonderful ball by Bhavin Tandale. He doesn't want to give it away easy. The single to the square leg takes the score to 75. Only 2 runs needed for Dundee United to win this match. Could this be a ball? And Bhavin Tandale got a wicket of his second last ball of this over. As I said, great players just not giving in. Darshan facing his first ball of this match. That levels the score, 76. At the end of 7.5 overs, the scores are leveled. Thanks to the blistering innings by Nahus Sanup for a half century, which comes off only 24 balls. Can he end this match on a glorious note? Bhavin Tandale coming for the last ball of this inning. And there are the winning runs coming off the bat of Nahus Sanup.